नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की ताज़ा खबरों में। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबरों के साथ में दोस्तों राज्य की सभी ताज़ा खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में कोरोना के बीच मिली राहत, एक्टिव केस से ज्यादा हुए ठीक हुए लोगों की संख्या। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है, लॉकडाउन में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने वाला सोना अनलॉक 1.0 में क्यों हो रहा है सस्ता जाने कारण। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है, अपने काम पर हो रही राजनीति पर सोनू सूद ने तोड़ी चुप्पी, किया ये बड़ा ऐलान। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है, अचानक क्यों बढ़ने लगे देश में पेट्रोल डीजल के दाम, 4 दिन में पेट्रोल 2.14 रुपये और डीजल 2.23 रुपये महंगा हुआ। तो दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिरी तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों, एक एक करके हम आपको सारी न्यूज़ दे देते हैं। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है, लॉकडाउन में ढील के बीच भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,76,000 को पार कर गई है, लेकिन राहत देने वाली बात यह है कि देश में कोरोना के एक्टिव मामलों से ज्यादा संख्या स्वस्थ हो चुके लोगों की है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,33,632 है, जबकि स्वस्थ हुए लोगों का आंकड़ा बढ़कर 1,35,205 हो गया है। इस तरह स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 50% से ऊपर पहुंच गई है। शराब पर 70% कोरोना टैक्स हटाने का दिल्ली सरकार का फैसला आज से लागू हो गया है। दिल्ली के गोल बाजार में लोग शराब खरीदने पहुंच रहे हैं। एक स्थानीय ने कहा, मैं खुश हूं कीमत में कमी से थोड़ी राहत मिली है, 70% टैक्स बहुत अधिक था। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की, लॉकडाउन के दौरान सोने की कीमतों ने कई रिकॉर्ड बनाए। 17 मई को 47,861 रुपये पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। इसके बाद से सोने के रेट में उतार चढ़ाव जारी है। सराफा बाजार में पिछले 7 कारोबारी दिनों में सोना 199 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1635 रुपये प्रति किलोग्राम टूट चुकी है। विशेषज्ञ इसके पीछे कई कारण बताते हैं। इस साल सोने की कीमत 53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने का अनुमान लगाने वाले मार्केट के जानकार अब सोने में गिरावट की आशंका जता रहे हैं। केडिया कमोडिटी के प्रबंध निदेशक अजय कोड़िया के मुताबिक, कोरोना संकट में दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों की ओर से नीतिगत दरों में कटौती की वजह से अर्थव्यवस्था गहरी मंदी में है और सोना सुरक्षित निवेश के विकल्प के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इधर कई देशों ने लॉकडाउन खोलकर अर्थव्यवस्था में जान फूंक दी है। ऐसे में लोग निवेश के अन्य विकल्पों पर ध्यान देने लगे हैं। अजय केड़िया कहते हैं कि शेयर बाजार में भी रौनक बढ़ने लगी है। इस बीच निवेशकों का रुझान भी सोने से कम होकर इक्विटी वैल्यूएशन की ओर बढ़ा है। वहीं इस समय कोई भू राजनीतिक तनाव नहीं है, भारत और चीन के बीच तनाव है जो अक्सर टल जाता है। पिछले 2 साल में सोना 50% से अधिक रिटर्न दिया है। ऐसे में अब मुनाफा वसूली हावी है। लोग पुराने सोने भी बेच रहे हैं क्योंकि पुराने सोने को बेचने के लिए उच्च कीमतें आकर्षक हैं। अगर लॉकडाउन के दौरान सोने चांदी की कीमतों के बारे में बात करें तो पहली बार चौथे लॉकडाउन में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। तीसरे की तुलना में सोना 932 रुपये सस्ता हुआ और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव इस लॉकडाउन के अंतिम कारोबारी दिवस 29 मई शुक्रवार को 46,929 रुपये पर आ गया। हालांकि इस दौरान 3 बार 47,000 के ऊपर रहा, 18 मई को 47,861 रुपये, 20 मई को 47,260 और 22 मई को सोना 47,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिका। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की, कोरोना वायरस लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के मसीहा बने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सोनू इस मुश्किल की घड़ी में गरीब मजदूरों के लिए जो कर रहे हैं उसे ताउम्र कोई भुला नहीं सकता। इसी बीच खबरें आ रही थी कि सोनू सूद राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन एक्टर ने इन सभी बातों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह जो कर रहे हैं पूरी तरह प्रेमवश कर रहे हैं। सोनू सूद ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई भाषा से कहा, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, यह सब बस मैं प्रेमवश कर रहा हूं, मैं उन्हें उनके परिवार से मिलने में मदद करना चाहता हूं। सूद ने आगे कहा, मेरी इच्छा है कि हर मजदूर के अपने घर पहुंचने तक काम करता रहूं, यात्रा पूरे जोश से जारी रहेगी, किसी को बेघर नहीं रहना चाहिए, हम चाहते हैं कि वे सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं। आपको बता दें कि अब तक सोनू सूद लगभग 18,000 से 20,000 श्रमिकों को उनके गृह राज्य उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड लौटने में मदद कर चुके हैं। उन्होंने सिर्फ उन्हें बसों से बल्कि ट्रेन और फ्लाइट से भी उनके घर पहुंचाया है। सोनू सूद के फिल्मी कैरियर की बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म दबंग और जोधा अकबर जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई है। बता दें सोनू विलन के किरदार में काफ़ी पसंद किए जाते हैं। उन्होंने अपने कैरियर में अब तक कई फिल्मों के किरदारों को जिया है। सोनू सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। वह सोशल मीडिया जरिए मदद की गुहार लगा रहे हैं, लोगों को आगे बढ़कर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, सोनू सूद सभी के मैसेज का जवाब भी बड़े ही प्यार से दे रहे हैं। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां HPCL, BPCL, IOC ने फिर से रोजाना पेट्रोल डीजल कीमतों की समीक्षा शुरू कर दी है, इसलिए अब कीमतों में हर रोज बदलाव हो रहा है। बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल के दाम 40 पैसे बढ़कर 73.40 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है।
वहीं डीजल की कीमतों में 45 पैसे की तेजी आई है, जबकि 4 दिन में पेट्रोल 2.14 रुपये प्रति लीटर और डीजल 2.23 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा स्तर से पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अंग्रेजी के अखबार द हिंदू को इंडस्ट्री के सूत्रों ने बताया है कि दैनिक बढ़ोतरी में कम से कम 5 प्रति लीटर की वृद्धि होने की संभावना थी, जो उपभोक्ताओं पर एक और बोझ होगा। पेट्रोल की नई कीमतें आईओसी की वेबसाइट पर दिए रेट्स के मुताबिक बुधवार को पेट्रोल 40 पैसे और डीजल 45 पैसे तक महंगा हो गया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 16 मार्च से पेट्रोल और डीजल कीमतों की रोजाना की समीक्षा रोक दी थी। 83 दिन के बाद कंपनियों ने रविवार से दोबारा समीक्षा शुरू करी। इसके बाद से लगातार तीसरे दिन दोनों ही पेट्रोलियम फ्यूल में तेजी आई है। हालांकि तेल कंपनियों की तरफ से ATF और LPG की कीमतों की नियमित समीक्षा की जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ उठाने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बीते 14 मार्च को एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। उस वक्त कंपनियों ने इसका बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला। उसके बाद सरकार ने 6 मई को एक बार फिर एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल में 13 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया। बता दें, कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन है। हालांकि सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन 5 में काफ़ी ढील दी और इसे अनलॉक 1.0 कहा है।